ऐसे ये लोगो आप देख रहे हैं, लोगो अगर आपको प्रिंट करने हैं, लेबल्स अगर आपको प्रिंट करने हैं, तो आप बड़ी मशीन यूज़ ना करके छोटी लेबल प्रेस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट बॉक्स की एक और नई वीडियो में। आज लेके आए हैं हम आपके लिए हैवी ड्यूटी लेबल प्रेस मशीन। अगर आपको इस तरह की टी शर्ट में लोगो प्रिंट करने हैं, ऐसे ये लोगो आप देख रहे हैं, लोगो अगर आपको प्रिंट करने हैं, लेबल्स अगर आपको प्रिंट करने हैं, तो आप बड़ी मशीन यूज़ ना करके छोटी लेबल प्रेस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारे पास लोगो या फिर लेबल प्रिंट करने के लिए अलग अलग मशीनें मिल जाएंगी, जैसे ये नॉर्मल लेबल प्रेस मशीन मिल जाएगी, मिनी हीट प्रेस मशीन मिल जाएगी, और जिस मशीन की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है हमारी हैवी ड्यूटी हीट प्रेस मशीन। इसका नाम हैवी ड्यूटी क्यों है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसी को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका प्रिंटिंग का प्रोसेस। अनबॉक्सिंग के बाद आपको मशीन के साथ मिलता है एक यूज़र मैनुअल और साथ में आपको मिलते हैं ये सक्शन बेस। बेसिकली इनका जो काम है, जब भी आप मशीन को यूज़ करते हैं, ये मशीन प्रिंटिंग के टाइम हिले ना, इसके लिए ये साथ में दिए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये लेबल प्रेस मशीन हमारी हैवी ड्यूटी रहने वाली है, तो पहले वो मैं आपको बता दूँ कि ये हैवी ड्यूटी क्यों है। जैसे आप देखेंगे हमारी एक नॉर्मल लेबल प्रेस मशीन आती है, इसका जो वेट है वो है 7 किलो का और इस हैवी ड्यूटी का जो वेट है वो है 9 किलो का। तो आप वेट से भी इसको देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है इसके अकॉर्डिंग। और सेकंड चीज़, इसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर भी इसका हैवी ड्यूटी है। और आप नॉर्मल लेबल प्रेस मशीन का जो हैंडल देखेंगे वो काफ़ी पतला है। बार बार यूज़ करने के बाद काफ़ी कस्टमर के कंप्लेंट आती है कि यूज़ करने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जो हैवी ड्यूटी आपकी हमारी ये मशीन है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी और मोटा है। और इस मशीन का जो साइज़ है वो है 6x6 का। तो हमने फीचर्स के बारे में तो मशीन के जान लिया, तो चलिए आप प्रिंटिंग का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कैसे टाइम और टेम्परेचर को सेट करना है, और देख लेते हैं कि प्रिंटिंग के बाद इसकी जो क्वालिटी आती है वो कैसी आती है। सबसे पहले हम इस मशीन को ऑन कर लेते हैं, इस पावर बटन को, पावर बटन से इस मशीन को ऑन कर सकते हैं और आप इसका टाइम टेम्परेचर सेट करते हैं। टाइम टेम्परेचर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेट के बटन को प्रेस करना है, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर को आप बड़ा ना घटाना हो तो इस एरो के बटन से आप घटाए बढ़ा सकते हैं। मैं लोगो प्रिंट करने के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो सेट कर रही हूँ 250, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो 250 सेट कर दिया है। और अगर हमको टाइम सेट करना है तो दोबारा से मुझे सेट के बटन को प्रेस करना है तो ये टाइम पे आ जाएगा। और मुझे जो टाइम रखना है वो है मुझे 20 सेकंड रखना है, तो मैं इसका 20 सेकंड रख सकती हूँ। टाइम भी कम करने के लिए आप इसी एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइम टेम्परेचर सेट कर लिया, दोबारा से सेट के बटन को प्रेस कर दूँगी और हमारी मशीन जो है वो हीटिंग चालू हो चुकी है इसकी। तो हमारी मशीन जो है वो हीट हो चुकी है, अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा देखना 20 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। 20 सेकंड में ही इस मशीन से जो है वो लोगो हमने प्रिंट कर लिया है। तो देख लेते हैं क्वालिटी कैसी आती है। तो देखिए मात्र 20 सेकंड में हमारा जो लोगो है वो प्रिंट हो चुका है और प्रिंट की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी आई है। देखो तो दोस्तों, आपने देखा कैसे 20 सेकंड में हमने इस हैवी ड्यूटी मशीन से इस लोगो को प्रिंट कर लिया। आपको हमारे पास हैवी ड्यूटी मशीन हो या लोगो प्रिंट की मिनी हीट प्रेस मशीन हो या नॉर्मल लेबल प्रेस मशीन हो, सारी मशीनें अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज हमको कर सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।